हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र त्यागी। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। शुरू करने जा रहे हैं जो छुट्टियां, लगभग छुट्टियों जैसे दिन जो बीत रहे हैं, उनमें अगर जितना भी पॉसिबल हो पाया हम अपनी पढ़ाई जारी रख पाए तो हमें प्रयास हमेशा करना चाहिए। उसी क्रम में जो भी संसाधन मेरे पास उपलब्ध हैं, मैं यहाँ से आपको वीडियो ऑडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किया करूँगा। और आपको अपने अपने माध्यम पर, अपने स्तर पर पढ़ाई को जारी रखना है। तो बच्चों, ज़्यादा समय न खर्च करते हुए हम चर्चा करना चाहते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय, इतिहास। और उसमें भी हम एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिन बच्चों ने पहले ये कभी नहीं पढ़ा है वो ज़रूर इसको देखते हुए नोट्स बनाएं, या वो बच्चे जिनको हमेशा से प्रॉब्लम हुई है हिस्ट्री में, या हिस्ट्री उनको समझ में नहीं आती है, वो भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। बड़ी साधारण सी भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत कठिनाई नहीं आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो हम शुरू करते हैं इतिहास के बारे में चर्चा करना। तो इतिहास शब्द से ही शुरू करते हैं। ये इति धन हास, इति मतलब जानना, हास मतलब बीता हुआ, यानी कि बीते हुए के बारे में जानना इतिहास कहलाता है। जो बीत गया उसके बारे में जानकारी पाना या जानने की इच्छा रखना और जानकारी एकत्र करना इतिहास कहलाता है। और जब भी हम ये विचार करते हैं कि हम आज 21वीं सदी में हैं, लेकिन हमारा बेस क्या है, हमारा मूल आधार क्या है, कि सृष्टि के विकास का रहस्य क्या है, कि ये तहजीब धर्म जो 5000-6000 साल से बरकरार हैं, ये कैसे हैं। और जब हम सोचते हैं कि मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, ये आई कहां से, जैसे ही हमारे मन में ये प्रश्न उठते हैं तब हमारा सामना इतिहास से होता है। और जब हम ये जानना चाहते हैं तो हमें जानने के लिए कुछ सोर्स उपलब्ध होते हैं जिससे हम बीते हुए के बारे में जान पाए। जो आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, साहित्यिक सोर्स, विदेशियों का आगमन। तो अगर हम बिल्कुल शुरू से शुरू करें कि मानव सभ्यता की शुरुआत कहां से हुई होगी, या इस प्रकृति का रहस्य क्या है, इस सृष्टि का रहस्य क्या है, तो भारत के सभी दर्शन, महाकाव्य, पुराण, विचारक शायद शायद यही रहस्य खोजते हुए आए होंगे। और चूंकि हम इतिहास पढ़ने वाले हैं, हमें थोड़ा महसूस करना पड़ेगा, हमें जैसे टाइम मशीन होता था ना, वापस जाते थे, वैसे हमें थोड़ा सा महसूस करना होगा वापस जाके। तो जैसे ब्रह्मांड में सब कुछ प्रकाश है, ब्रह्मांड का मूल प्रकाश है, वैसे पृथ्वी का मूल पदार्थ जल है। और जब हम मानव विकास क्रम को जानना चाहते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तो साहित्यिक सोर्स, पुरातात्विक, विदेशियों का आगमन, इन पर नजर डालते हैं। विदेशियों का आगमन बहुत आगे की बात हो गई। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से हमें काफी कुछ जानकारियां मिलती हैं। हमें जानकारी मिलती है दशावतार की, पुराणों से। दशावतार के बारे में हमने सुना होगा, पढ़ा होगा। दशावतार के पहले 5 अवतारों से मानव सभ्यता के विकास का हमें पता चल सकता है। दशावतार का पहला अवतार देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, मत्स्य अवतार, मछली का अवतार, जो जो मैंने बताया पृथ्वी पर मूल पदार्थ पानी है, पानी पर ही ये मत्स्य मछली रहती थी। या मानव विकास क्रम की अगर शुरुआत मानेंगे तो इस प्राणी से मान सकते हैं जो पानी में रहता था, मत्स्य अवतार, जो दशावतार का पहला अवतार था। और दूसरे अवतार की बात करेंगे, कुर्म, कछुआ,
जो जल और थल दोनों पर रहता था। तीसरा अवतार था वराह। वायु पुराण के अनुसार इसको पानी में क्रीड़ा करने के लिए ही विशेष तौर पर पानी में रखा गया था। चौथा अवतार था नरसिम्हा, आदमी और शेर। पांचवा अवतार था दशावतार का वामन अवतार। वो रिप्रेजेंट्स प्रिमिटिव मैन, आदिमानव। वामन अवतार, वाम अवतार, बौना ब्राह्मण, इसको आदिमानव समझा गया। तो आदिमानव जैसे ही शब्द आता है, पूर्व पाषाण काल प्री हिस्टोरिक पीरियड पर हम चले जाते हैं। उस काल में मानव गुफाओं में निवास करता था, खाना बदोष था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था, आग का आविष्कार उसने कर लिया था, पत्थरों का प्रयोग करना सीख रहा था। उस दौर में मानव गुफाओं में पत्थरों से तस्वीरें बनाना सीख गया था, जानवरों की तस्वीरों को घेरता था, धीरे धीरे वो इंसानों की तस्वीर बनाने लगा। तस्वीरों से हमें उनके विकास क्रम के का अंदाजा लगता है कि वो शिकार करते थे, शिकार करने के लिए झुंड में जाते थे, शिकार कर की सफलता के लिए नृत्य करते थे, आयोजन करते थे। इससे हमें पता चलता है धीरे धीरे ये झुंड में रहना सीखे होंगे, कबीले में रहना सीखे होंगे, और जब कभी कबीले पर आफत आती होगी तो सब लोग मिलजुल कर सामना करते होंगे, और उनमें से जो भी उस परेशानी में कबीले का साथ नहीं देता होगा उसको कबीले से अलग कर दिया जाता होगा। ये ऐतिहासिक सोर्सेस है ये चित्र। तो धीरे धीरे जब व्यक्ति पूर्व पाषाण युग से उत्तर पाषाण युग की तरफ गया होगा, यानी कि कांस्य युग की तरफ गया होगा, और पूर्व पाषाण युग से उत्तर पाषाण तक आते आते पृथ्वी का मौसम गर्म हुआ होगा, ग्लेशियर्स पिघले होंगे, हिम नदी की जगह नदियां बहने लगी होंगी, हिम नदी की जगह जंगलों ने ले ली होंगी, और उन जंगलों में रहने वाला जो व्यक्ति होगा वो लगभग स्थायी हुआ होगा, क्योंकि खाने पीने की कमी नहीं होगी। नदियों के किनारे छोटी छोटी झोपड़ी में इंसान रहने लगा होगा उत्तर पाषाण काल, क्योंकि पानी और खाने की प्रचुरता और उनके द्वारा बनाई गई कुछ कुछ नीतियां होंगी, प्रथाएं होंगी, जो उनके विकास क्रम को जिन्होंने आगे बढ़ाया होगा। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो हम पूर्व पाषाण युग से प्री हिस्टोरिक हिस्टोरिक पीरियड से प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड तक, यानी कि कांस्य युग तक आ गए। कांस्य युग में हम सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो नव पाषाण युग में थे तहत ताम्र पाषाण काल, जब तांबे की खोज की गई थी, कांस्य युग, सिंधु घाटी सभ्यता जब लोहे का ज्ञान नहीं था, इसके बाद लौह युगीन सभ्यता कहलाती है, आयरन एज, यहां से वैदिक युग, वैदिक कल्चर का प्रारंभ माना जाता है। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कार्बन 14 पद्धति से इसकी जो सबसे सटीक अनुमानित 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का काल माना जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के तहत जो सबसे पहला शहर खोजा गया था वो हड़प्पा शहर था, इसलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी जो कि हिंदुस्तानी तहजीब का मूल आधार कहलाती है, और कोई भी सभ्यता इतनी विकसित होने के पीछे कुछ पर्याप्त आधार, कुछ कारण, कुछ शर्तें होना चाहिए, तभी कोई सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता, नगरी, कोई भी नगरी सभ्यता इतनी विकसित तभी हो सकती है जब वो कुछ शर्तों को पूरा करे। जैसे
खपत से ज्यादा पैदावार हुई होगी, होती होगी, कोई व्यापार प्रणाली होती होगी, ट्रांसपोर्टेशन के साधन होते होंगे अच्छे, सुगम, सुलभ, ताकि वह व्यक्ति और वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से आ जा सके। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, वस्तुओं को मापने तोलने के लिए माप तोल की इकाई थी, 16 के अनुपात में थी, 16, 64, 160। ये एक शहरी तहजीब थी। सड़कों के किनारे दुकानें बनी हुई थी, जो आज भी हिंदुस्तान का फलसफा है, सड़कों के किनारे किनारे दुकानें। उस दौर का प्राप्त साक्ष्यों से नजर आता है कि व्यापारी तबका, सौदागर तबका काफी अमीर हुआ करता होगा, और लगभग इसी 2300 बिफोर क्राइस्ट से लगभग 1800 बीसी तक इस सभ्यता का लगभग गोल्डन पीरियड रहा होगा। इस सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के आदेश पर की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी। अगर हम इसके विस्तार की बात करेंगे, यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में पहली नगरी क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने पर स्थित दैमाबाद तक फैली हुई थी, जबकि पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट पर स्थित सुतका गेंडोर से लेकर पूर्व में मेरठ आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। और मैंने जो आपको पहले बताया कि हड़प्पा इस सभ्यता के तहत खोजा जाने वाला पहला नगर था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप नोट्स में इसको भी मेंशन कर सकते हैं, इसके विस्तार को, भौगोलिक विस्तार को। ये अन्य स्थल जो हड़प्पा से प्राप्त हुए, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंग, रंगपुर, रोपड़, बनवाली, ये याद रखने के कोड एक लिखे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं किन नदियों के किनारे ये स्थान मिले थे। लोथल जो कि गुजरात में हो, 1954 में खोजा गया रंगनाथ राव, 1954-1955 के समय में लोथल को खोजा गया था गुजरात में। दूसरा शहर हड़प्पा के बाद जो दूसरा शहर खोजा गया था वो मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के किनारे था, सिंध प्रांत में, और इसको राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोजा था, उत्खनन किया था। उत्खनन करता राखलदास बनर्जी, और जो दूसरा शहर था 1921 के बाद 1922 में जो खोजा गया था, बप्पा के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। कालीबंगन 1953 के आसपास खोजा गया था। रोपड़, पंजाब, बनावली, रंगपुर, गुजरात, रंगनाथ राव, तो ये सब चन्नूधड़ो सिंध प्रांत में 1931 में खोजा गया था। इस सभ्यता के सबसे अधिक स्थल गुजरात राज्य में मिले। इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ब्रॉन्ज एज आ गया था। ये इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, एक कृषि आधारित सभ्यता थी, एवं इस सभ्यता में ईंटों का प्रयोग किया गया था, नाना प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था, लेकिन सबसे अलग अलग माप की ईंटों का प्रयोग किया गया था, और सबसे प्रचलित माप कहलाता था 4x2x1, लंबाई इंटू ऊंचाई 4:2:1 में हुआ करता। आप जो सामने देख रहे हो स्क्रीन पर चन्नूधड़ो, पाकिस्तान में 1931 में एमजी मजूमदार ने उत्खनन किया था, कुत्ते बिल्ली पंजे के निशान प्राप्त हुए थे। धोलावीरा जो कच्छ गुजरात में है, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है, जो हम चर्चा कर रहे हैं। इस सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, इस सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले, इस सभ्यता में मंदिर के कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं। प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है इस सभ्यता में पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति प्रचलित रही होगी, जबकि ये एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, जैसे हम पितृसत्तात्मक जैसे
सरनेम पिता का हम यूज करते हैं, वैसे उस दौर में वो मातृसत्तात्मक सभ्यता रही होगी। अगर प्राप्त प्रमाणों की बात करें, रंगपुर एवं लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं, सुरकोतदा कालीबंगन और लोथल से घोड़े के प्रमाण मिले हैं, मोहनजोदड़ो से सार्वजनिक स्नानागार, बहुत बड़ा सार्वजनिक स्नानागार मिला है खुदाई में। अगर नगर और घरों के विन्यास की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो ग्रिड पद्धति पर बनाए गए हैं, चेस बोर्ड पद्धति पर। विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता होगा और यहाँ जहाजरानी उद्योग प्रचलित हुआ होगा। और जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये लिपि है, जो भाव चित्रात्मक लिपि जिसको पढ़ा नहीं गया है, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट। हड़प्पा वासियों का आर्थिक जीवन, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती, हालांकि ये पशुओं को पाल भी लेते थे। हड़प्पा वासी मुद्रा बनाने के लिए सेल खड़ी एक नरम सी मिट्टी होती है, जो मिट्टी से थोड़ी कड़ी होती है लेकिन पत्थर से थोड़ी नरम होती है, इस पर आसानी से कोई छाप छोड़ी जा सके। सेल खड़ी मुख्य फसल गेहूं और जौ हुआ करती थी। धार्मिक जीवन की बात करें तो मैंने आपको बोला था मातृ देवी की उपासना की जाती थी, कुबड़ वाले सांड पूजा की जाती थी, ये ज्यादातर मोहरों में पशुओं की आकृति ही नजर आती है। इस सभ्यता की सर्व प्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना और जल निकास प्रणाली थी। जब भी हम हड़प्पा की बात करेंगे तो हमें उसकी नगर योजना और जल निकास प्रणाली के बारे में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वर्तमान समय में भारतीय समाज में प्रचलित स्वास्तिक का निशान, आपने स्वास्तिक देखा होगा, स्वास्तिक का निशान हड़प्पा सभ्यता में भी प्रचलित था। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि ये लोग नीले रंग से परिचित नहीं थे और कभी कभी ये उत्सुकता रहती थी कि कौन से फल उपयोग करते होंगे वो लोग, तो तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू, केला, इन सभी फलों से ये परिचित थे। इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता, इतनी धनी सभ्यता, कैसे इसका पतन हुआ होगा, ये भी बड़ा गंभीर प्रश्न है और इसके कई जवाब भी मिले हैं। लेकिन सभ्यता के पतन का असली कारण के बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहा जा सकता है, व्हीलर महोदय कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ और ये सभ्यता खत्म हो गई। जॉन मार्शल कहते हैं प्रशासनिक शिथिलता के कारण आपस में मारकाट हुई और सभ्यता खत्म हो गई, या लोगों ने पलायन कर लिया, जो भी बचे थे वो चले गए। ऑरेलस्टाइन बोलते हैं जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, हो सकता हो, मलेरिया हुआ हो, कोई महामारी हुई हो, भूतात्विक परिवर्तन हुआ हो, बाढ़ आई हो, भूकंप आया हो, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन एक ऐसी सभ्यता जो अपने दौर में चरम पर थी और उसका इस तरीके से पतन हो जाना, ये अपने आप में कई प्रश्न पैदा करता है और हमेशा हर किसी को ये जानने की उत्सुकता रहती है कि उसका असली कारण क्या रहा होगा, कि एक वो सभ्यता जो हर तरीके से विकसित सभ्यता दिख रही थी वो उसका पतन हुआ। तो बच्चों, एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारत से MPPSC प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने एक बार बोल रहा हूँ। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ना है आपको, जैसे प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको अभी एंशियंट हिस्ट्री का एक ओवरव्यू दिया है, इसके अलावा अगर आपको इससे संबंधित नोट्स चाहिए तो आप 9977006283, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप करके अपना नाम मुझे बता के मैं आपको नोट्स की PDF प्रीलिम्स के लिए मैं भेज सकता हूँ। तो आप किसी भी नोट्स को पढ़ें, उसके बाद उनके, अगर प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो MCQs लगाइए, अगर मेंस के लिए हम पढ़ रहे हैं तो हमें लिख के प्रैक्टिस करनी होगी, तो उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी एंशियंट हिस्ट्री के जो MPPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए वो मैं आपको एक बार बोल के बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, ये MPPSC 2013 का प्रश्न है। ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी
पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। तो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ये बड़े आसान है आपके लिए बताना, जो ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र वो बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। पाटलिपुत्र का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से हो ही नहीं सकता। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना के रूप में जाना जाता है और ये भारत का बहुत प्राचीन नगर है जो मौर्य, शंगु तथा गुप्त राजाओं की राजधानी रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से है। एंशियंट हिस्ट्री में हम सिंधु घाटी सभ्यता से चर्चा कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। ये एमपीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और ये हड़प्पा कालीन बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और 1922 में राखलदाल बनर्जी ने इसको उत्खनन करके इसकी खुदाई की थी और यहीं से ही बड़ा विशाल सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ था। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी एमपीपीएससी 2012 में प्रश्न पूछा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था। नंबर दो, यह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में अगर इन कथनों पर विचार करूंगा तो हमें ये पता है सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता में कपास के प्रमाण मिले हैं, अर्थात उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था। तो पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है और साथ ही यह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित तो था लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये दोनों ही जो कथन है, दोनों ही कथन सही कहलाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था। ये पीएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कुओं का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी खंभों का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी नालियों का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी मेहराब का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर डी मेहराब का निर्माण का उनको ज्ञान नहीं था, इसके अलावा बाकी तीनों चीजों को उन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी, कहां हुई थी ये आपको बताना है। किस स्थल पे तांबे की खोज हुई थी, कुनाल में, राखीगढ़ी में, दायमाबाद में, बनावली में। ऑप्शन नंबर ए कुनाल, ऑप्शन नंबर बी राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी दायमाबाद, ऑप्शन नंबर डी बनावली। यानी कि हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज कहां हुई थी, आपका आंसर होना चाहिए हरियाणा के हिसार में सरस्वती नदी के तट पर स्थित प्राक हड़प्पा कालीन पुरास्थल कुनाल से चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। कुनाल से हमें चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं, जबकि बनावली से जल निकास प्रणाली, जो हम जल निकास प्रणाली की जो हम बात कर रहे थे वो बनावली से प्राप्त हुई है, जबकि दायमाबाद महाराष्ट्र से हड़प्पा कालीन सबसे दक्षिणतम बस्ती है। जो दायमाबाद है बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, यहीं से ही तांबे के रथ के अवशेष मिले हैं। तो जो तांबे के रथ मिले हैं वो जैसे दक्षिण में हम जगन्नाथपुरी सुनते हैं वहाँ रथ समझ में आता है, तो हमेशा याद रखना तांबे के रथ आपको कहाँ मिले हैं, आपको मिले हैं दायमाबाद महाराष्ट्र, हड़प्पा कालीन सबसे दक्षिणतम छोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वृक्षों की, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी की, ऑप्शन नंबर सी फॉसिल्स की, ऑप्शन नंबर डी चट्टानों की। देखिए, कार्बन डेटिंग द्वारा फॉसिल्स जीवाश्मों की ही आयु गणना की जाती है। इसकी खोज एफ लिबी ने की थी, एफ लिबी। चट्टानों की आयु की गणना यूरेनियम लेड विधि से की जाती है, जबकि वृक्षों की आयु वार्षिक वलयों की गणना के आधार पर की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। ये बहुत पहले एक बार एपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, तो आपका आंसर होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता। एक और प्रश्न जाते जाते, एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था, आपका आंसर था डी द्रोणाचार्य। तो ये एपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। हम इसके बाद इसमें एक और विस्तारित वीडियो बनाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। ये बिल्कुल फैक्चुअल वीडियो था जिसमें प्रारंभिक परीक्षा लेवल का जो भी हमें पढ़ना चाहिए वो मौजूद है।
उतने मैटर आपके पास है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेटा रेडी रहें, और जो भी जिस सब्जेक्ट पर आप लोग वीडियो चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप करके या वो कमेंट पर बताइए, मैं कोशिश करूंगा घर पे बैठ के आप लोगों को कुछ नहीं तो पढ़ा ही सकूं। ओके बच्चों, खूब मन लगा के पढ़ना है और बाकी कुछ नहीं सोचना है। जय हिंद, जय भारत।